आपके वचन उनके हृदय की गहराई में जाए प्रभु। वचन सुनने के जरिए 100 गुना प्रतिफल उनके जीवन में आए। बोलने वाले दास पर तेरा आशीष, सुनने वाले तेरे बच्चों पर तेरी आशीष, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन। सो क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? हालेलुया। तो जो प्रार्थना का सीरीज प्रेयर पार्ट 6 चालू है, प्रेज द लॉर्ड, पार्ट 6 आमेन, छठवा भाग। 5 टीचिंग आपने सुना होगा इसके पहले, और ये जो है ये छठवा भाग है। आमेन, हालेलुया। सो आर यू रेडी टू लिसन? फ्लैशबैक, क्या क्या आपने सीखा? कितने को याद है? सबको याद है? कितने को याद है? कितने ने लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, लिखा है काफी लोगों ने, ठीक है। सो अभी हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक करेंगे, क्या क्या है, क्या क्या हमने सीखा। सबसे पहला बात, प्रार्थना के बारे में हमने जानी। अगर हमारी प्रार्थना सफल होनी है, कामयाब होनी है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचनी है, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जल्दी से सुनना है, तो सबसे पहले यीशु कहते हैं तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। आमेन। वो कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, हालेलुया, फिर तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, ठीक है। फिर तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। रिश्ता जरूरी है, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, फिर तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरा हमने देखा, जो भी हम मांगते हैं वो जो हमने मांगा हुआ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। आमेन। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करेंगे वो अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो बाइबल कहती है वो हमारी सुनता है। आमेन। तीसरा पॉइंट हमने देखा प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। किसकी प्रार्थना को सुनता है? धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, हालेलुया। यानी आप, आपके अंदर कोई पाप रहेगा, जब उसको दूर करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, हालेलुया। या कोई गुनाह है, कोई परमेश्वर आपसे कोई बात के लिए नाराज है, वो नाराजगी परमेश्वर के अंदर से हटाना है, उसके लिए हमको पश्चाताप करना पड़ेगा, और हम जब हम हटाएंगे यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु के बलिदान को विश्वास करेंगे जो हमारे लिए दिया गया है, और हम तब उसका लहू यीशु का हमें धर्मी बना देता है। आमेन, हालेलुया। फिर हमारी प्रार्थना जो भी परमेश्वर के पास हम करते हैं वो प्रार्थना खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी वो परमेश्वर सुनता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद चौथा प्रेयर के बारे में हमने देखा कि वी हैव टू स्टेट आवर केस बिफोर गॉड, यानी बोलते आओ वाद विवाद करें। क्या करें? वाद विवाद करें। आओ मतलब जब भी कभी कभी ऐसा होता है आपका प्रार्थना कई दिन से सुना नहीं जा रहा है, आपको लगता है परमेश्वर मुझे भूल गया है, मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, हालेलुया। आप लोग पास्टर के साथ तो लड़ लेते हो, या समझो वाद विवाद करते हो पास्टर के साथ, मैं कितना दिन से आ रहा है मेरा काम नहीं हो रहा है, हालेलुया। लेकिन पास्टर को कुछ मालूम नहीं रहता है क्यों काम नहीं हो रहा है। आमेन। तो ये परमेश्वर कहता है कि डायरेक्ट मेरे पास आना, हालेलुया, और फिर बात कर देना अपन क्या है, हालेलुया, हालेलुया।
वाद विवाद, परमेश्वर के पास वाद विवाद करना है, यशायाह में ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना जब करते हो तो जल्दी से निराश नहीं होना, मतलब जो है मांगो ढूंढो खटखटाओ, यानी हर तरह की प्रार्थना करो, मांगो ढूंढो और खटखटाओ, ये पूरे प्रेशर के साथ हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बताया, जो बाइबल में बताया कि जब हम प्रार्थना करते हैं दो तीन जन साथ में मिलके प्रार्थना करेंगे तो उसमें ज़्यादा दम होता है। बोलो हालेलुया। द प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, तीन चार जन के साथ, जैसा हम लोग दुनिया में भी यूनियन बनाते हैं कोई बात के लिए, तो यूनियन बनाने से कंपनी का सेड भी सुनता है, देश भी सुनता है। हालेलुया। सो द प्रेयर ऑफ, परमेश्वर क्या बोलते हैं, चार जन साथ में मिल गए आओ तो थोड़ा उसमें और ज़्यादा दम रहेगा। आमेन। द प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, या दो जन एक बात के लिए राजी हो गए, परमेश्वर बोलते हैं अगर दो जन कोई बात के लिए तुमने किसी और को राजी कर लिया तो मुझे भी राजी होना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। आपने चार पांच जन को जमा कर लिया ये बात के लिए प्रार्थना करेंगे, उन लोग भी बोले हाँ रे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रार्थना करेंगे, तुमने राजी कर दिया तो परमेश्वर को भी राजी होना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट इसीलिए काम करता है। उसके बाद हमने देखा था सातवां पॉइंट जो है विनती, इंटरसेशन प्रेयर, मध्यस्थी की प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? कोई आदमी ऐसी परिस्थिति में नहीं वो खुद के लिए प्रार्थना कर सके, लेकिन वो नहीं प्रार्थना करेगा मर जाएगा, नरक में जाएगा, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। या आपसे वो किसी ना किसी रीति से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक संबंध हो सकता है। हालेलुया। तो आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आमेन। इसको बोलते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना। देशवासियों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, जात भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना आप कर सकते हैं। आमेन। अपने परिवार के ब्लड, अपने खून के रिश्ते हैं उनसे, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। तो मध्यस्थी की प्रार्थना भी बहुत पावरफुल है और ज़रूरी भी है, परमेश्वर चाहता है हम मध्यस्थी की। और कोई चीज़ के लिए बार बार प्रार्थना करना, हमने आठवां पॉइंट बताया था, प्रेइंग फॉर समथिंग मोर देन वन टाइम, यानी एक बार प्रार्थना करके छोड़ नहीं देना है, रोज उसको फॉलोअप करना है। बोलो रोज फॉलोअप करना है परमेश्वर के पास, रोज उसको प्रार्थना करना है जब तक हमारा काम होता नहीं। नवा वचन, नवा जो पॉइंट था, हिम्मत मत हारना। प्रार्थना करने का टाइम क्या मत करना? बोलो हिम्मत मत हारना। मैंने कल ही ये बात सुनी जब मैं देख रहा था, बाइबल में भी लिखा है यूसुफ जेल में दो साल था, बाइबल में का जो यूसुफ था जो राजकुमार बना, हालेलुया, मिस्र में जाके वहाँ पर अकाल आया था, है ना, सात साल अच्छे साल बाद में अकाल, तो उस समय पे राजा को वो सपना गिरा उसका मत, लेकिन वो जो यूसुफ था उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, लेकिन जहाँ पर काम कर रहा था उसको गलत इल्ज़ाम डाल के उसे जेल में डाला था। दो साल वो जेल में था, कितने साल वो जेल में था, और ज़रूर उसको वहाँ पर मज़ा नहीं आया होगा, और ज़रूर वहाँ पर उसने जब प्रार्थना करता था परमेश्वर ज़रूर उसको दर्शन नहीं देता होगा। आमेन। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में रखता है। आमेन। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने वहाँ पर हिम्मत नहीं हारा। आमेन। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, ये बात यूसुफ जानता था कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर पहला हमें कभी नहीं छोड़ता है, पहले छोड़ने वाले हम होंगे, हमेशा इंसान होंगे, इंसान पहले परमेश्वर को छोड़ेगा फिर परमेश्वर उसको छोड़ेगा। आमेन। यीशु मसीह ने बोला ये बात को, फिर से रिपीट किया, आई विल नेवर लीव यू नाइदर विल आई फोरसेक यू, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। आमेन। यानी पहला ये मुंह जो ये मुंह है ये पहले परमेश्वर से नहीं होगी, पहले अगर आप, तो इसीलिए आप अगर प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह से, यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे तो ये सोचो परमेश्वर आपके साथ में है, भले बात नहीं कर रहा है, भले दिख नहीं रहा है, कुछ अभी बात है इसलिए परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, हालेलुया, लेकिन वो मेरे साथ में। तो यूसुफ जेल में बैठ के वहां पर दो साल तक प्रार्थना करता था। आमेन।
उसको मालूम नहीं था वो कब छूटेगा या लाइफ टाइम उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके तो छुड़ाने वाला कोई नहीं था, जामीन देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो अकेला था, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, उसका देश कोई और था। आमीन। वो देश का भी नागरिक नहीं था, नो पासपोर्ट, नो लाइसेंस, नथिंग, नो परमिट। हालेलुया। इलीगल इमिग्रेंट था वो। हालेलुया। उस मिस्र में, आमीन, छूटने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर उसके साथ में था, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालते ही तुरंत वो 2 साल का भरपाई कर दिया, जो वो कभी नहीं बन सकता था अपनी ताकत से, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिस्र का राजकुमार बना दिया। देखिए भाई, अपने देश में राजकुमार बनना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने परदेश का राजकुमार बना डाला। माइंड ब्लोइंग है या नहीं? बोलो माइंड ब्लोइंग। हालेलुया। अपने देश का राजकुमार बनना या मंत्री बनना, एमपी, एमएलए, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने तो, जैसा बोलते हैं ना, मिस्र में लेके गया, उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया। फिरौन ने बोला, फिरौन जो राजा था, उसने बोला बस तू ही है, तू जो बोलेगा वही होएगा, मैं तो खाली बैठा हूँ, मेरा सारा साइन बिन सब स्टैम्प पेपर तू ले ले, आमीन, तू चलाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये परमेश्वर हमारा कर सकता है। परमेश्वर में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं है। आपकी प्रार्थना, आप इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप बोलते हैं प्रभु कितना टाइम वेस्ट हो गया अभी मैं, हालेलुया, प्रभु इतनी मेहनत में दुनिया के लिए करता तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाता। तेरे लिए कर रहा हूँ, तू देख रहा है कि नहीं? देख रहे हैं। हालेलुया। और अचानक सुबह से शाम के अंदर सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल सकता है। बोलो हालेलुया। हम लोग देखते हैं एकदम बहुत धूप रहता है, ऐसा लगता है बारिश नहीं आएगा, तुरंत 2 सेकंड के अंदर परमेश्वर मौसम बदल देते हैं और बारिश आने लगती है। ये परमेश्वर कर सकता है। बोलो हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है। आमेन। बोलो हालेलुया। देखिए परमेश्वर हर चीज में दिखता है। देखिए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो व्हाट्सएप पे आया था, जो ऐसे कहता है जैसा मुर्गी का अंडा है उसको हैच करने के लिए 21 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? और ये 21 डेज जो है 7 × 3 = 21 है, कितना है? तो ऐसे ही अलग अलग पक्षी के फिर अंडे हैं, है ना, फिर बदक के अंडे हैं, उसको शायद 28 डेज या 35 डेज लगता है, लेकिन फिर भी वो भी 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 × 5 = 7 × 4 = फिर ऑस्ट्रिच 7 × 7 = हालेलुया। यानी लेकिन सबके अंडे जो हैच होते हैं 7 से ज़रूर जुड़े हैं। आमेन। 7 नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोला वाह, ये तो हम लोग को मालूम नहीं था। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये कितना अद्भुत है। मैं आप लोग को जो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है आप लोग को वो भेजूंगा मैसेज कल। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छा है। हर प्राणी का उसमें उन्होंने दिया है कि कैसा है, साइंटिफिक भी है लेकिन बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। यानी ये सारी बातों में हमें परमेश्वर का हाथ दिखाई दे रहा है। बात ये है मेरा बोलने का, परमेश्वर ने बनाया ये सब चीज़ों को, कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। आमेन। तो ये सारे बातों को, मुर्गी इतना दिन हैच करेगी, ये बदक इतना दिन हैच करेगा, ऑस्ट्रिच इतना दिन हैच करेगी, हालेलुया, ये किसने ठहराया है? तो क्या हमारी जिंदगी के लिए कोई प्लान नहीं है? है कि नहीं? बोलो है। हालेलुया। तेरी योजना मेरे खातिर बड़ी मन भावनी और खूबसूरत है। ऐसा गाना है आपको हमेशा, क्या बोलना है? तेरी योजना मेरे खातिर बड़ी मन भावनी और खूबसूरत है, उज्जवल भविष्य की आशा जीवन के। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, उज्जवल भविष्य आपके लिए है,
मनभावनी योजना है परमेश्वर के पास। यूसुफ के लिए था कि नहीं मनभावनी योजना, लेकिन उसने भी इंतजार किया। आप भी इंतजार करो। आमेन, बोलो हालेलुया, आमेन। सो हिम्मत मत हारो, बोलो हिम्मत मत हारो। उसके बाद हमने बताया प्रार्थना के बारे में, दसवां पॉइंट, द इंटरसेसरी मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट, मतलब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों हमें मदद कर रहे हैं प्रार्थना में कामयाब होने के लिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने इसके लिए, आमेन, हालेलुया। कौन मदद करे? एक तो हम लोग आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाते, पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, टेंशन है, परेशान हूँ। फिर पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा से हमारी जुबान को लेकर के वो प्रार्थना करता है, आमेन, हमारे साथ में मिल गए। कौन प्रार्थना करता है? कितना अच्छी बात है ना। कितने दिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, कितने दिन नहीं करते हैं? ठीक है, तो आपको करना है ना। नहीं करने वाले करते हैं, उसमें थोड़े हाथ थे, लेकिन करने नहीं करता है, वो उठना चाहता लेकिन उन लोग नहीं उठा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग एक ये रखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का कॉन्फ्रेंस जुलाई महीने में रखेंगे, हालेलुया। ओनली होली स्पिरिट, आमेन। ये बार शिविर में बहुत मजा आया, तीन चार बच्चे लोग तो इतना अभिषेक पाया, बोलते रात भर घर में चिल्ला रहे थे, हालेलुया। तो उनकी माँ ने बेडरूम में उनको बंद कर दिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, हालेलुया। और उसका शिविर करते उसकी जो मम्मी है वो बच्चों की, उनको भी 25,000 की नौकरी मिल गई, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, बोलो अच्छा है, हालेलुया। तो ये इंटरसेसरी मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड पवित्र आत्मा और यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह मददगार, पिता के दाएं और जाके बैठा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर आए धरती पर, अब हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री हमारे साथ में चालू रहेगी। इसीलिए बुद्धिमान बनो, पवित्र आत्मा का अवेलेबिलिटी हमारे लिए है, उसका फायदा उठाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सरकार बोलती ना बार बार, ये योजना है, वो योजना है, फायदा उठाओ लोगों, हालेलुया। तो वैसे ही पवित्र आत्मा की उपलब्धि हमारे लिए आज है, लेकिन जो उसको समझ नहीं पाएगा वो खो देगा। इसके लिए जरूर उसकी तलाश में रहो। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुन ले तू। पुकारना है, पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया। बोलो आएगा, हालेलुया। वो आपकी मदद करने के लिए पिता ने भेजा है, वो इस पृथ्वी पर आ चुका है, आपके ऊपर नहीं आ चुका है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं आ चुका है, लेकिन पृथ्वी में आ चुका है, आमेन। आपके ऊपर भी उसका अभिषेक होना जरूरी है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्यासी हिरण जैसे जल को खोजती है रेगिस्तान जंगल के अंदर, वैसे आपको और मुझे परमेश्वर के आत्मा को खोजना है, आमेन, बोलो हालेलुया। सो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह ये दोनों हमारी मदद के लिए बैठे हैं ताकि हम पिता के पास जाएं, बोलो हालेलुया। किसके पास जाए? बहुत जबरदस्त, स्वर्ग में वो सिंहासन है, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है उत्तर की ओर, कौन सी ओर? परमेश्वर विराजमान है सभा के पर्वत पर। तो हमको ये तो मालूम पड़ा कि परमेश्वर कौन सी दिशा में विराजमान है, उत्तर की दिशा में, आमेन।
हालेलुया। कौन से पर्वत पर? सभा के पर्वत पर। इसीलिए आप देखोगे कौन से भी देश में, यानी कोई भी देश में, शैतान हमेशा उत्तर भाग को पकड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं उत्तर में मुझे कंट्रोल करने का है। आमीन। भारत में, उत्तर भारत, शैतान बोलेगा इधर बिल्कुल यीशु के लोग नहीं आना चाहिए। इस टाइम टोटली टेक कंट्रोल ऑफ दिस उत्तर भारत। लेकिन साउथ में यीशु मसीह का बहुत काम हुआ है। हालेलुया। आज जितनी भी सेवकाइयां आई साउथ से लेकर के नॉर्थ को जा रही है, लेकिन नॉर्थ में शैतान दे नहीं रहे, लेकिन प्रभु ले लेगा जरूर। आमीन। बोलो हालेलुया। अच्छा, ये इंडिया का ही नहीं बोलता है, ऐसे जो लोग रिसर्च गए, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, लेकिन ये इंडिया की बात नहीं है, कौन से भी देश की, उत्तर को ये पकड़ता है। आमीन। क्यों? वो अपने आप को गॉड बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? सब समझ रहे कि नहीं आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ हम लोग नहीं समझ रहे, लेकिन जब कोई ना कोई ऐसे रिसर्च करते हैं विश्वासी लोग, तो सब आइडिया मिल जाती है। अरे बाप रे, ऐसा काम चालू है, ऐसा काम चालू है, ऐसा काम चालू। आमीन। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर के पास आपको और मुझे हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। 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 यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे लिए इस धरती पर दिए गए हैं। आमेन। तो उनकी भी मदद प्रार्थना में लेनी है। यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करना है। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ आता है परमेश्वर की ओर से। आमीन। उसमें 11वां पॉइंट हम लोग ने स्टडी किया था, माइटी प्रिवेलिंग प्रेयर है ना। जो इसका मतलब ये है, जब भी आप प्रार्थना करते हो जयवंत प्रार्थना करो। जैसे याकूब परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया और जीत गया। आमीन। सो प्रार्थना हम लोग करते तो हमको ऐसे प्रार्थना करना है कि वी हैव टू रेसल विद गॉड। हमको परमेश्वर के साथ क्या करना है? हाँ, यस, जयवंत होना है। आमीन। तो आज अभी ये जो फ्लैशबैक था सब कुछ, प्रेज द लॉर्ड, अभी आज नया दो पॉइंट सुनेंगे। लास्ट सीरीज है, आज प्रेयर का सीरीज में खत्म कर दूंगा प्रेयर। हालेलुया। सो आज जो प्रार्थना में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है, हमेशा प्रार्थना ऐसी भी होनी चाहिए। देखिए, हमने सब कुछ बात किया, अभी आज हम देखते हैं प्रार्थना और एक तरह के भी है, वो है हमेशा धन्यवाद की प्रार्थना हमको करनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कौन सी होनी चाहिए? धन्यवाद की भी प्रार्थना होना जरूरी है। देखिए, हम लोग भजन संहिता 50 चैप्टर 50 वर्स 14 हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 50वां अध्याय है, उसका 14वां वचन, प्रार्थना धन्यवाद की भी करो। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। पहले जमाने में बहुत कुछ बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर को, भेड़ बकरी ये जानवर, उनका खून। हालेलुया। लेकिन अभी नया जमाने में ज्यादा करके पैसा ही परमेश्वर को भेंट चढ़ाते। हालेलुया। तो कभी कभी आपके पास पैसा नहीं है, कोई स्टूडेंट है, कोई ये है, उसके पास पैसा नहीं, लेकिन एक बलिदान आप हमेशा चढ़ा सकते हैं, धन्यवाद। ये जूना करार में था, ये नया करार में भी बना रहेगा। एक ही बलिदान, बाकी सब बलिदान कैंसल हो गए यीशु के जरिए, लेकिन एक बलिदान चालू रहेगा, ऑफर टू गॉड थैंक्स गिविंग। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो ये बलिदान चालू रहेगा आगे। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परम प्रधान के लिए जो तुमने मन्नत मांगी है उसको क्या कर? पूरी कर। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
So offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Hallelujah. Praise the Lord. तो ये बहुत जरूरी है, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है. धन्यवाद की प्रार्थना बहुत जरूरी है. जाते ही परमेश्वर को बोलना नहीं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, या सुबह उठते उठते ही बॉम्बार्डमेंट शुरू, परमेश्वर के ऊपर बॉम्ब डालते हैं. क्या ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो परमेश्वर बोलेगा सुबह सुबह उठते चाहिए चाहिए चाहिए, गुड मॉर्निंग डैडी गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं. हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया. बराबर ना, सुबह सुबह उठते बच्चा माँ बाप को कुछ अच्छा बात नहीं करेगा, बोलेगा पैसा निकाल पैसा निकाल पैसा निकाल. हालेलुया. तो कैसा लगेगा माँ बाप को, मैं तो इसके लिए कैशियर है बाकी कुछ है ही नहीं. हालेलुया. 26:7 भजन संहिता हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 26:7. आप भी अगर किसके बेटा बेटी हो तो माँ बाप से जरूर हमेशा पैसे की बात मत करना, कुछ और भी बातें करना. आमीन. भजन संहिता 26:7 ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करो, तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करो. आगे, और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, और तेरे सब आश्चर्य कर्म का क्या करो, वर्णन करो. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी बहुत जरूरी है. आमेन. आप कुछ लोग बोलेंगे मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, धन्यवाद कैसा करूं? क्या यूसुफ ने जेल में धन्यवाद दिया था? क्या दिया होगा? आमेन. तभी उसको राजकुमार बनाया. हालेलुया. नहीं तो उठा के डायरेक्ट खेती में डाल देता उसको, हल चला भी. हालेलुया. आमेन. उसने धन्यवाद दिया होगा क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर चल रहा था. बाइबल लिखा है वो खरा था, उसने अपनी इंटेग्रिटी नहीं खोई थी. आमीन. बोलो हालेलुया हालेलुया. बोलते हैं भजन संहिता 69:30 हम लोग देखते हैं. साम्स चैप्टर 69:30. हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है मेरे भाइयों बहनों. भजन संहिता 69:69 मैं गीत गा गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा. हालेलुया. और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा. यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. ऐसे गीत गा गाकर तेरी क्या करूंगा, करते कि नहीं? खाली कलिशे में तो जबरदस्ती करना पड़ता है यार. ये स्टेज में बोला हाथ उठाओ मुंह खोलो, लेकिन खुद के दिल से होता है. घर में जाने के बाद भी आपको बोलना है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, तेरे हाथों में खोदी मेरी सूरत है. यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. प्रेज द लॉर्ड. मैं गीत गा गा कर तेरी क्या करूंगा, और धन्यवाद के साथ तेरे नाम की महिमा करूंगा. हालेलुया. देखिए भजन संहिता 95 बहुत अच्छा. दाऊद राजा सबसे बड़ा परमेश्वर का फैन था, योद्धा भी था. हालेलुया. ये अलग टाइप का आदमी था दाऊद राजा. भजन संहिता 95:2 हम धन्यवाद करते हुए हाँ उसके सम्मुख आए. धन्यवाद बोलते परमेश्वर के सामने कैसा आना, स्टार्टिंग प्रार्थना करने के पहले क्या करना, बोलो हेलो. बाजू वाले को बोलो हेलो. डायरेक्ट रोने का नहीं, धन्यवाद करते हुए. आई विल एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन माई हार्ट, आई विल एंटर हिज कोर्ट्स विद प्रेज. बोलते उसके फाटकों में उसके आंगन में स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रवेश करो. हालेलुया.
बोलो हालेलुया। यस पढ़ेगी बहन 95:2। ओके हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, उसके सम्मुख आए धन्यवाद करते हुए, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, हालेलुया क्योंकि वो योग्य है। एक बार मैंने सोचा परमेश्वर एक इंसान की जैसा, बोलो इंसान की जैसा सोचा, स्वर्ग में तेरे सामने खड़ा रहना तो वहां पर स्वर्गदूत लोग बोलते तेरी स्तुति हो तू महान है। मैं बोला ये दिन भर मेरे साथ पास तो नहीं होगा परमेश्वर ऐसा बोलने के लिए, आमीन हालेलुया मैं बोर हो जाऊंगा, आमीन हालेलुया। तो क्या वो जो स्वर्गदूत लगे वो क्या कंप्यूटर है क्या, मतलब बैटरी डाला उनको चाबी घुमाया हालेलुया 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 ऐसा कर रहे क्या उन लोग कि दिल से कर रही। तो परमेश्वर ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दिया ऐसा, बेटा देख अभी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, सबका चेहरा अलग अलग है, आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो परमेश्वर तुझे समझो हर सेकंड में नए नए चेहरे दिखा रहे, तो आप बोलते वाह कितना मस्त बना है, वाह कितना मस्त बना है, वाह कितना मस्त। तो बोलते हैं स्वर्ग में मैं हर सेकंड में मेरा अलग अलग रूप वो स्वर्गदूतों को प्रकट करते रहता हूँ, आमेन। इसके लिए उन लोग बोलते वाह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कितने को समझ में आए बात, आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यानी उसका वो तो आत्मा है, जब वो परमेश्वर में इतना इतना धरती पर इतना वेरिएशन ला सकता है, इतने सारे चेहरे इतने तरह के लोग, आमेन। तो जरूर जब स्वर्ग में भी इतना हमें कुछ मालूम नहीं, हम लोग वहाँ गए नहीं है ना, कुछ बातें यहाँ पर लिखी, लेकिन वो योग्य है स्तुति के, बोलो योग्य है। आपकी स्तुति आराधना उसके लिए आप करते वो कभी बेकार नहीं जाएगी, बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन पिता परमेश्वर, बोले तो इंटरेस्टिंग। एक बार परमेश्वर का एक दास स्वर्ग में गया, यीशु मसीह उसको लेके गया था स्वर्ग में, आमेन बोला चलो पिता के पास जाएंगे। पिता के पास गया फिर अचानक यीशु मसीह गायब हो गया, पिता तो बैठा है सिंहासन पर, तो इसने बोला यीशु कहाँ है, तो अचानक उसने पिता के यहां पर हृदय के ऊपर एक ऐसा होल देखा और उसके अंदर यीशु मसीह दिख गए इसको, हालेलुया हालेलुया। और फिर उसमें से उजाले इतने तरह की लाइट के किरणें आ रही थी है ना, क्योंकि लिखा है जो पुत्र है वो पिता के बुजम में बैठा है, बुजम हालेलुया जैसा गोद बोलते हैं हम लोग गोद, आमेन। तो उसमें से पिता के अंदर से वो किरणें उजाले की, बोलते दुनिया में ऐसा कलर है नहीं, जो कलर मैंने वहाँ पर देखा वो कलर अभी तक यहाँ पर डिस्कवरी नहीं हुआ है हालेलुया। इतने सारे वहाँ पर करोड़ों करोड़ों कलर है, आप इसके लिए स्वर्ग की बातें कोई वहाँ जाने के बाद इधर आके क्या देगा क्या बताएगा कैसा है, इधर कुछ है ही नहीं ना कैसे बताए तुमको, इधर वो कलर है ही नहीं तो तुमको कैसे बताए, आमेन हालेलुया। यहाँ पर वैसी बातें है ही नहीं, हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। तो उसको स्तुति करना है, पिता को क्या करना है, उसकी महिमा करना है, उसका जय जयकार करना है, आमेन। तो 100वां अध्याय देखते हैं हम लोग, 100 chapter 100 verse 4 भजन संहिता 100वां अध्याय 104, ये भूलना नहीं, आप 100 नंबर है भूलना नहीं, भजन संहिता 100 में लिखा है स्तुति के बारे में, 14वां वचन देखते हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो हालेलुया। आगे उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। कितने करेंगे आज से धन्यवाद,
प्रेज द लॉर्ड. आपको हर संडे बहुत नए नई बातें सिखाई जाती, हालेलुया. तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, उसको भूलना नहीं, स्क्रिप्चर बेस उसका है. आमेन. आपके पास टाइम कम रहता है, टाइम नहीं है. आमेन. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करो. पहला थिसलोनियंस 5:18 हर बात में धन्यवाद करो. हर बात में क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. तो एक बहन ने पास्टर को पूछा, पास्टर मेरा पति दारू पीता है, तो परमेश्वर को ऐसा बोलूं, परमेश्वर मेरा पति दारू पीता है इसके लिए धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद. क्या ऐसा धन्यवाद देना है? तो यहां पर क्या लिखा है, बोलते हर परिस्थिति में धन्यवाद दो. हर परिस्थिति के लिए नहीं, हर परिस्थिति. प्रभु मैं खड्डे में गिरा हूं, धन्यवाद ना. लेकिन खड्डे में गिरा है वहीं से भी परमेश्वर को धन्यवाद करो. हालेलुया. परमेश्वर मैं मरा नहीं हूं, बचा हूं. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. बोलते इन इंग्लिश में लिखा है, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, नॉट फॉर एवरीथिंग. आमेन. इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू. आमेन. तो कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आपके साथ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर को धन्यवाद दो. हालेलुया. बोलो हालेलुया. हालेलुया. प्रभु ये परिस्थिति में आया, ये प्रॉब्लम में मैं आया, मैं समस्या में हूँ, लेकिन उसमें से भी अच्छा देखो. मेरा पापा दारू पीता है, लेकिन परमेश्वर एक चीज़ अच्छी है, वो काम पे जाता है, पगार ला के घर पे देता है. धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. आमेन. और तू उसका दारू छुड़ाएगा. बोलो हालेलुया. तो परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है. जो असंभव है, जो तकलीफ है, वो परमेश्वर ले लेगा. आमेन. बोलो हालेलुया. सो धन्यवाद देना है. बोलो धन्यवाद देना है. अच्छा चल रहा है तो भी धन्यवाद देना है, बुरा चल रहा है तो भी धन्यवाद देना है, सुखी है तभी भी धन्यवाद देना है, दुखी है तभी भी धन्यवाद देना है. हालेलुया. 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 जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है, परिस्थिति, संकट आता है, तो परमेश्वर को बोलना है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है. आमेन. हालेलुया. देखिए हम लोग अच्छे हैं, लेकिन जब भी बूढ़े हो जाएंगे, आमेन, फिर एक ना एक दिन कोई ना कोई तो बीमारी होके मरना ही है ना. हालेलुया. या कमजोरी आएगी बूढ़ा होने के बाद, तब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा या सुनेगा, या क्योंकि ये सबको उसमें से गुजरना है. थोड़ा कमजोरी लगेगी, हाथ में मुंगी आ रहा है, पैर में मुंगी आ रहा है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है. आमेन. सभी को उसमें से जाना है. एक बुढ़ापा है, एक बचपना है. आमेन. तो बचपना का जो फायदा उठाया, तो बुढ़ापा में भी वो सब चीजें होंगी. आमेन. हालेलुया. बुढ़ापे की लाठी सबको लगेगी थोड़ी बहुत. हालेलुया. लेकिन उसमें भी हमको धन्यवाद देना है. जितनी खुशी से बचपन में दे रहे थे, उतनी खुशी से बुढ़ापे में देना है. परमेश्वर ये जीवन आपने दिया मुझे, धन्यवाद. इतने साल धरती पर रखा परमेश्वर, धन्यवाद. अब मैं फिर से तेरे पास आ रहा हूँ प्रभु, धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. तू मुझे भूला नहीं है. लेकिन ये तो सारे मानव के लिए ये बात है कि कमजोरी थोड़ी आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारा अच्छा है. उसने कहा मिस्र की कोई बीमारी मैं तेरे पास आने नहीं दूंगा. बोलो हालेलुया. तो उस वर्ड को आप क्लेम कर सकते हैं. जब बुढ़ापे में कुछ ऐसी बीमारियां, परेशानियां आती हैं, तो आप बोल सकते हैं प्रभु आपने बोला है, तो मुझे डायबिटीज नको, मला ब्लड प्रेशर पर नको. हालेलुया. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड, आर्थराइटिस भी नको, हालेलुया, कमजोरी भी नको, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा परमेश्वर है, लेकिन उसको धन्यवाद देना है, बोलो धन्यवाद देना है, आमीन। सारी बातों में उसको क्या करो, बोलते दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू, आमीन। उसके बाद एक वचन हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की 4 अध्याय 6 और 7 वचन देखते हैं। फिलिपियों की किताब, अगर आपके पास फिलिपियों की किताब है, उसके अंदर 4 अध्याय 6 और 7 वचन हम देखेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 वचन 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना, किसी भी बात में यीशु मसीह कहते हैं चिंता मत करो, हालेलुया, किसी भी बात में, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, बोलो हालेलुया, ये जीवन है, आमेन। दिन और रात होता है कि नहीं रोज, वैसा ही सुख और दुख भी जीवन में आते रहता है, आमेन। दुख के बिना सुख का वैल्यू नहीं, और सुख के बिना दुख का भी वैल्यू नहीं, आमेन, बोलो हालेलुया। रात के बिना दिन का वैल्यू नहीं, वैसा ही दिन के बिना रात का भी वैल्यू नहीं, आमेन। तो ये आता है, लेकिन आप उससे प्रभावित मत हो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, बोलो हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद दो, हालेलुया। आगे बी एंग्जियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्स गिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड एंड द पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। मैं हिंदी में पढ़ेगी आपके लिए, परंतु हाँ, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, आमीन। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं, कुछ चाहिए, आमीन, हम लोग बोलते कुछ चाहिए, अच्छा आइटम खिलाओ, तो उन लोग वो जो अच्छा आइटम है वो रहता है बीच में, लेकिन साइड में सैलेड ड्रेसिंग करते हैं उसको, क्या करते हैं, बोलो ड्रेसिंग, ताकि आपको खूबसूरत लगे, बोलो हालेलुया। कितने को समझ में है, अच्छा अच्छा होटलों में ऐसा होता है, जो भी खाना आप खाते हैं उसको ड्रेसिंग करते हैं, जैसे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं वैसे, कुछ गुलाब जामुन बीच में रहेगा, लेकिन गुलाब जामुन से उसका ड्रेसिंग बहुत बढ़िया रहेगा, आमीन, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। या मिठाई के ऊपर भी थोड़ा बादाम का चूरा करके ड्रेसिंग, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। तो बोलते तुम्हारा विनती है स्तुति आराधना के साथ ड्रेसिंग मिक्स करके परमेश्वर को धीरे से पेश कर दो, हालेलुया। अब परमेश्वर को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि रिक्वेस्ट आ गया, बोला देखो स्तुति करते करते हुए इसने बाण छोड़ दिया रिक्वेस्ट का, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बहुत मजा है इसमें, 6 और 7 वचन, किसी भी बात की चिंता न करो, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ मिक्स करके, आमेन, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, हालेलुया। कितने को समझ में आया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ही जरूरी है, आमेन, जो हमने सुना कि हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रार्थना में क्या इंपॉर्टेंट है, स्तुति, हालेलुया, परमेश्वर को हमेशा स्तुति करना है। स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में क्या कर रहे, वो स्तुति के योग्य है बस, और कोई चीज के योग्य नहीं परमेश्वर, आमीन, बोलो हालेलुया,
स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। हालेलुया, वो हमारी स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है। आमीन। बोलो मैं स्तुति करूंगा, मैं तेरे गौरव करूंगा। एपीसीओ का पांचवा अध्याय 19-20 देखते हैं। एपीसीओ पांचवा अध्याय 19-20। एपीसीओ पांचवा अध्याय 19वां वचन, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में भी क्या करो? आत्मिक गीत स्तुति भजन गाया करो। हालेलुया। आगे, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के लिए कीर्तन करते रहो। आगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता का क्या करो? देखो, यीशु मसीह आखिरी बार भोजन कर रहे थे, जब रोटी उनके हाथ में आई, सबसे पहली बात उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने रोटी को ली। जब भी प्रभु भोज करते तो मैं बात बोलता हूँ, उसने रोटी को लिया, धन्यवाद देकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर रोटी को तोड़ा। हम लोग कभी कभी डायरेक्ट रोटी को तोड़ डालते हैं। हालेलुया, आमीन। कभी हजम हो जाते फिर परमेश्वर का याद आते हैं, वो परमेश्वर आशीष ने पेट में रोटी है। हालेलुया, आमीन। बोलो धन्यवाद देकर तोड़ना है। जब भी यीशु मसीह पहाड़ पर प्रचार कर रहे थे 3 दिन, उसका उनका प्रीचिंग खत्म हो गया तो उनको मालूम पड़ा कि लोगों को बहुत भूख लगा होगा। हालेलुया, उससे भी ज्यादा उनको ये टेंशन था जाते जाते चक्कर आके गिर जाएंगे। आमीन। तो वो अच्छा बात नहीं रहेगा कलीसिया के लिए। तो यीशु मसीह ने बोला चलो को भाई इनको कुछ रोटी खिलाओ। चले बोले प्रभु पैसा तो है लेकिन पहाड़ पे दुकान किधर है, ये रोटी लेके आए। यीशु मसीह बोला कुछ करो, तो बोला कि चलो एक लड़के के पास 5 रोटी है, आपको चाहिए तो खा लेना। आमीन, हालेलुया। वो 5 रोटी यीशु मसीह के पास पेश की गई। यीशु मसीह ने रोटी को लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और बोला रोटी को बांटो। आमीन, बोलो हालेलुया। पॉइंट ये है, धन्यवाद दिया, दैट्स इंपॉर्टेंट, उधर ही चमत्कार होता है। बोलो हालेलुया। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम पगार हमारे हाथ में मिलता है परमेश्वर को धन्यवाद दो। ऐसा नहीं मैंने मेहनत किया मुझे मिला, तूने थोड़ी दिया। आमीन, ऐसा बात नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ मेडल मिला, एग्जाम में अच्छे मार्क ले, मैंने मेहनत किया, तूने थोड़ी दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत दिखते हो आप, मैंने मेहनत किया, मैं ब्यूटी पार्लर में जाके कितना घिसा तब जाके चमक रहे। हालेलुया, या मैं सैलून में गया, मैं अच्छे से बाल अच्छे जगह पे बाल कटवाता हूँ, अच्छे जगह पे करता हूँ, तब जाके मैं अच्छा दिख रहा हूँ। ऐसा ऐसा धन्यवाद नहीं करेगा परमेश्वर, बोलेगा आमीन। बोलो हालेलुया। लेकिन हर बात में, हर चीजों में परमेश्वर को क्या करो? बाइबल कहती है बोलो धन्यवाद करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो भोजन करते समय भी यीशु मसीह क्या करते थे? हमेशा हमको सिखाते थे ऐसा करो। तो आज तक नहीं किया होगा लेकिन अभी करना, ठीक है? बोलो हालेलुया। कोई अभी ऑफिस में भी आप बैठे 4 जन खाना खा रहे हैं, आप मन में भी धन्यवाद कर सकते हैं। आप धन्यवाद करके खाना खा, आँख बंद करना, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, आक्रमण खा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे कुछ है उसमें पढ़ेंगे, फिलिप कौन सा वचन पढ़े अभी? एपीसीओ 5:19-20। हाँ, आगे, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ नहीं, 20वां वचन, एपीसीओ 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करते रहो?
हालेलुया हालेलुया आमेन। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। बोलो धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद करना है प्रार्थना में, है ना? आपकी प्रार्थना कामयाब होनी है तो जरूर धन्यवाद का तड़का लगाना पड़ेगा। आमेन। जैसा दाल में कड़ी पत्ता डालने से, राई डालने से बहुत खुशबू आ जाता। हालेलुया हालेलुया आमेन। तो धन्यवाद के साथ हर चीज परमेश्वर हमें आशीष देगा हर एक बातों के लिए। उसका आगे अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है ना? बोलो लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है, प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना को पिता से हम करते हैं प्रार्थना, आमेन, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। किसके नाम से प्रार्थना करना है? क्योंकि आपका और मेरा प्रार्थना कबूल यीशु के नाम से होता है, आमेन। बोलो हालेलुया। दुनिया के लोगों की प्रार्थना, उन लोग भी प्रार्थना करते हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से नहीं की जाती है, आमेन। आप और मैं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना वहां पर पहुंचती है, लोग रिक्वेस्ट लिखाते हैं, फिर हम लोग को मिलते हैं, बोलते हैं हाँ आप लोग प्रार्थना किया तो हो गया काम, आमेन। अभी हमारी प्रार्थना उनकी प्रार्थना में क्या फर्क है? ये केवल यीशु का नाम का फर्क है। हालेलुया। उनकी प्रार्थना में यीशु का नाम नहीं, हमारी प्रार्थना में यीशु का नाम है। बोलो हालेलुया। बाजू वाले को बोलो यीशु के नाम से। क्या किसके नाम से प्रार्थना करना है? हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। John 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई यीशु के पास पहुँच नहीं सकता, यानी बिना यीशु के नाम के कोई प्रार्थना भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वासी लोग कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बोलते बोलते लास्ट में क्या बोलते हैं? ये प्रार्थना किसके नाम से करते हैं? और बाद में सब लोग क्या बोलते हैं? आमीन। ऐसा ही हो। हालेलुया हालेलुया ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी है, अगर आप ऐसे नहीं करते थे तो आज से आपको ऐसे ही करना है। प्रार्थना किसे करना है? यीशु के नाम से पिता के पास प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने सिखाया, जब भी तुम मत्ती का 6वां अध्याय हम लोग देखते हैं, Matthew 6:6, यीशु मसीह ने बताया कैसे प्रार्थना करना है। परंतु हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से, उसको पिता बोलते हैं, यहोवा भी बोल सकते हैं, आमेन। लेकिन यीशु मसीह ने वो यहोवा, लोग तभी ऐसे बोलते थे यहोवा कोई बड़ा डेंजर राजा है, आमेन। यहूदी धर्म में यहोवा मतलब क्या है? फिरौन की रथ और सेना को समुद्र में उसने ढा दिया, गहरे जल ने उसने घेर लिया, वे पत्थर के नाई डूब गए। तो चुनाकरण में यह मतलब पब्लिक डरते थी, बाबा उसके पास जाने का मतलब कुछ भी उल्टा हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, तो यहोवा से दूरी रहो भैया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने हमें बताया यहोवा पिता है,
पापा है। बोलो हालेलुया। वो डेंजर भी है, वो मारता भी है, लेकिन वो प्यार भी तो करता है। कितने पापा है इधर, प्यार करते कि नहीं अपने बच्चों को, लेकिन धुलाई भी करते हैं गलत करने के बाद, करते हैं ना। तो अगर धुलाई करता है करके आपका बेटा भागेगा आपसे, वो ठीक है क्या? नहीं, उसके अच्छे के लिए जो भी हो रहा है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो लोग वहां पर ऐसे ही जानते थे यहोवा मतलब एक डेंजर परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने बताया वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो पिता। तो पिता से प्रार्थना करो, रूम बंद करके पिता से प्रार्थना करना है। आगे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में तुझे देखता है पिता, आगे तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। बकबक 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 बक। यीशु मसीह बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना करने का टाइम हजार बार ऐसा बोलना, क्या बोलना, 10,000 बार ऐसा बोलना, 40,000 बार ऐसा बोलना। तो फिर 40,000 बोला तो फिर वो सामने वाले जो कैसा याद रहेगा भाई, 40,000 कोई माला लेना पड़ेगा। तो अन्य जाति में ज्यादा चलता है, बराबर क्या नहीं, कोई ना कोई चीज टेका दी, बस भाई लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलता है अन्य जाति के जैसा बड़बड़ 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 बड़, क्योंकि उनका प्रार्थना और किधर जाता है क्या मालूम, भाई तेरी तो स्वर्ग में जा रही, इसके लिए बड़बड़ मत करना। बोलो बड़बड़ बड़बड़ मत करना, कम बात करना लेकिन अच्छा बोलना। आमीन। अच्छा, क्या कैसे प्रार्थना करना, आगे, क्योंकि वे समझते हैं हाँ कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जाति में ऐसा होता है, बहुत बोलेगा तो सुनेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। आगे, इसलिए तुम उनके समान न बनो, उसके समान मत बनो। आगे, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आगे, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहला धन्यवाद, सबसे पहला क्या है, हे हमारे पिता तू जो आसमां में है, तेरा नाम जय जयकार, यानी जय जयकार पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने सिखाया पिता से प्रार्थना करो, किससे प्रार्थना करो, मेरे नाम से करो, मेरे नाम से प्रार्थना करो, किससे प्रार्थना करो। आमेन। किधर को समझ में आ रहा है, तो हम लोग को हमेशा प्रार्थना करना है तो बोलना है, पिता परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना, ये प्रार्थना है, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूं। आमीन। अच्छा, बाय चांस हमने यीशु मसीह को आपने बोल दिया कुछ, यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना के 14वें अध्याय में, उसका 14वें वचन में देखिए, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। वो भी मैं भी करूंगा बोलते हैं, कोई बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम जो मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे मुझसे, मैं करूंगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन बेसिकली प्रार्थना जो है पिता परमेश्वर से हमको करनी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने को समझ में आ रहा है। यूहन्ना 16वें अध्याय 23-24 वचन हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 16:23-24। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। पिता से कुछ मांगोगे वो मेरे नाम से तुमको देगा। आगे, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। बोलते यीशु मसीह बोलते हैं, अब तक मेरे नाम से पिता के पास तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो मिल जाएगा। हालेलुया। आपको पिता के पास जाना है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यीशु के नाम से डिमांड करता हूं। किसके नाम से? पिता का। बोले यीशु के नाम से देना पड़ेगा। रुक जा। हालेलुया। नाम किसका? यीशु के नाम से डिमांड। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रार्थना में वेट आ जाता है। तो जो भी प्रार्थना करते हो किसके नाम से करना है? आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भी प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के जरिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह यानी यीशु मसीह का नाम का भी इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर के पास जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सारी आशीष पिता के पास से आती है। आमीन। किसके पास से आती है? मैंने बताया, एक परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, बोला बेटा सब लोग मांगते हैं लेकिन मैं आता नहीं हूं, लेकिन तू इतनी लगन से तूने प्रार्थना की, 7 साल तक मैं स्वयं तुझे मिलने आया, तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको पिता के पास लेके गए। किसके पास लेके गए? पिता के सिंहासन के सामने खड़ा किया, बोला प्रभु पिता इसको क्या चाहिए देखो। आमीन। फिर पिता ने पूछा क्या चाहिए? पिता ने लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा, मैं चाहिए कि मेरे वरदान चाहिए? अब देखो जो बाइबल में लिखा है उसका भी काम आ गया, पवित्र आत्मा वहां पर। तब यीशु मसीह नहीं बोले तो, क्योंकि मददगार पवित्र आत्मा है, यानी सबकी मिनिस्ट्री। हालेलुया। कॉम्प्लिकेट मत करो, सब लोग का काम है, पिता का भी काम है, पुत्र का भी काम है और पवित्र आत्मा का भी काम है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा वहां पर आया, उसके कान में बोला बोल मुझे तू चाहिए। आमीन। और जब उन्होंने बोला पिता को मुझे आप चाहिए, पिता खुश हो गया, सारा माहौल खुशियों से ऐसे म्यूजिक बजने लगा, सब एटमॉस्फेयर में खुश हो गए परमेश्वर। और पिता ने बोला कि आज से मेरे वरदान तो मैं तुझे देता हूँ पवित्र आत्मा के। हालेलुया। लेकिन मैं भी तेरे संग रहूँगा। आमीन। बोलो हालेलुया। आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, सच में ये जब भी हम प्रार्थना करते हैं आत्मा में भी करना चाहिए, यीशु के नाम से भी करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये बातें बाइबल में जो लिखी गई है कोई बेकार में नहीं लिखी है, सारी चीजों का महत्व है। बोलो इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। तो कितने जन आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं? कितने जन यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहते हैं? हालेलुया। आत्मा में भी प्रार्थना करना है, यीशु के नाम से भी प्रार्थना करना है, हर तरह की प्रार्थना हमको करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, विनती की प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना, जयवंत प्रार्थना। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मेरे नाम से मांगा नहीं लेकिन मांगो। आमीन। ताकि तुम्हारा आनंद भरपूर हो जाए। यूहन्ना का 14वां अध्याय हम देखते हैं, उसका 13 और 14 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। आमीन। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ताकि पुत्र के द्वारा क्या हो? किसकी महिमा हो? यीशु मसीह हमेशा पिता की महिमा के लिए काम करते थे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। आमीन। बोलो हालेलुया। तो ये प्रार्थना के टोटल 13 पॉइंट्स थे प्रार्थना के बारे में। कितने ने सुना, समझ गया, लिख के लिया, इसको फॉलो करोगे? चलो अगले संडे और कुछ सीरीज। आइए अपनी आंखें बंद करते परमेश्वर को धन्यवाद करते। पिता
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, हालेलुया, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। धन्यवाद करते प्रभु, आज यहाँ पर इस भवन में हम सब यहाँ पर आपकी आराधना, स्तुति, गौरव करने के लिए एकत्रित हुए पिता। आशीष दे हर एक भाई बहनों ने जो वचन सुना प्रभु जी, आपके वचन, पवित्र वचन उनके हृदय में जाए, कार्य करे प्रभु। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, हमने सुना है पिता। प्रभु जी आपके वचन को हम महत्व दें, आपके वचनों को समझें, वचनों को सही रीति से, सही मायने में समझें। प्रार्थना के बारे में हमने बहुत उसके पहलू देखे, बहुत सारे उपलब्धियां देखी प्रार्थना के जरिए। हमें अच्छे से आपने पवित्र आत्मा की सहायता से ये शिक्षण हमें मिला प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे गौरव महिमा स्तुति आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।